वेलकम फ्रेंड्स टू दिस डीटेक यूट्यूब चैनल। आज हम आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपने जीमेल अकाउंट को सिक्योर कर सकते हो, उसके साथ साथ जीमेल अकाउंट में मोबाइल नंबर कैसे ऐड कर सकते हो, मोबाइल नंबर के साथ आप ईमेल अकाउंट भी कैसे ऐड कर सकते हो, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इसके लिए आपको क्रोम पर जाना होगा और आपको लिखना होगा gmail.com, और इसके बाद आपके जो जीमेल अकाउंट को आप चेंज करना चाहते हो, मतलब जिस अकाउंट को सिक्योर करना चाहते हो, उससे आप यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी लॉगिन है। यहाँ पे लॉगिन होने पर यहाँ पे इसका आइकॉन दिखाएगा, इसके ऊपर क्लिक करने पर उस यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक करना होगा, और उसके बाद एक सेकेंड टैब ओपन हो जाएगा और यहाँ पे पूरा जीमेल का जो डैशबोर्ड है वो यहाँ पे दिखाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, पर लेफ्ट साइड में यहाँ पे देख सकते हो कि डिवाइस एक्टिविटी एंड सिक्योरिटी इवेंट बोल के, इसके ऊपर क्लिक करना होगा। और यहाँ पे देखिए रिसेंट एक्टिविटी सिक्योरिटी इवेंट, तो यहाँ पे ट्रू कॉलर पे एक्टिविटी है और भी एक मोबाइल है जो मेरे ही मोबाइल है उसमें लॉगिन है दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्लिक करने पर यहाँ पे दिखाएगा ट्रू कॉलर का जो डिटेल्स है, मतलब कौन सा आईपी एड्रेस से इसे लॉगिन हुआ था, कौन सा लोकेशन था, उसे दिखाएगा। और इसे बैक करने पर यहाँ पे सिक्योरिटी चेकअप आएगा, ये यहाँ से आप क्लिक करके इसे गेट स्टार्टेड करना होगा। मैं इसे दूसरे टैब में ले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए जो नीच में तीनों ऑप्शन है वो ठीक ठाक है, बट पहले जो है वो थोड़ा सा मतलब क्रिटिकल है, इसलिए वो टिक नहीं आ रहा है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करके देख लेता हूँ। ट्रूकॉलर एक आंसर एप्लीकेशन है, इसलिए यहाँ पे इस तरह दिखा रहा है। और यहाँ पे अगर आपने कुछ एक्टिविटी ऐसे देखा कि जो आपने नहीं किया, तो इसके ऊपर क्लिक करके इसे मतलब चेंज पासवर्ड पे क्लिक कर सकते हो। और जो जो ईमेल अकाउंट मतलब इस ईमेल अकाउंट जिस जिस डिवाइस पे लॉगिन है वो लॉग आउट हो जाएगा। तो मतलब अगर आपने किसी डिवाइस पे खुल के रखा था और इस ईमेल अकाउंट को किसी फ्रेंड ने यूज कर रहा है, तो उस सब डिवाइस में से ये लॉग आउट हो जाएगा, तो आपके जो मेल अकाउंट वो सिक्योर हो जाएगा। और यहाँ से आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। तो इसके लिए पहले यहाँ पे क्लिक करना होगा और उसके बाद यहाँ पे आके जो आपके एग्जिस्टिंग पासवर्ड है अभी का वो देना होगा पहले आपको, और इसके बाद आपको नेक्स्ट दबाने पर यहाँ पे वो पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे दो मतलब न्यू पासवर्ड देना होगा और उसके बाद वही सेम पासवर्ड यहाँ पे देकर उसे कॉन्फर्म करना होगा, और इसे चेंज पासवर्ड पे क्लिक करने पर ये चेंज हो जाएगा। तो इसके बाद आता है टू स्टेप वेरिफिकेशन। एक बहुत बढ़िया फीचर्स है जो अभी फेसबुक में भी चला आया है, बट गूगल के पास बहुत पहले से ही है। तो इसे मतलब ये एक ऐसे फीचर से आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन मतलब SMS आएगा, उसके जरिए आप इसे लॉगिन आपके मेल अकाउंट लॉगिन कर सकते हो। मतलब आपके फ्रेंड के पास आपके पासवर्ड हो तब भी वो इसे अकाउंट नहीं खुल सकता है आपके जीमेल अकाउंट। तो अगर आपके ईमेल अकाउंट में बहुत सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो आप इसे ऑन करके रख सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेस है, मतलब आपके डिवाइस में एप्लीकेशन के जरिए भी इसे ओपन कर सकते हो। अगर आप आपके मोबाइल पे कॉल या SMS के जरिए इसे ऑन करना चाहते हो, तो यहाँ पे देखिए टेक्स्ट एंड वॉइस कॉल बोल कर रहा है, इसे क्लिक करना होगा। तो ये ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आपको आपके नंबर देना होगा। यहाँ पे मेरे नंबर ऑटोमेटिक ले लिया है, और यहाँ पे टेक्स्ट मैसेज या फिर कॉल कौन से आप चाहते हो वो आपको सिलेक्ट करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, और नेक्स्ट पे क्लिक करने पर ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा और आपके अकाउंट के लिए एक्टिव हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ पे नीचे में देख सकते हो रिकवरी ईमेल एंड रिकवरी फ़ोन दिखा रहा है। यहाँ पे आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि इसे ऐड करके रखिए, क्योंकि अगर आप किसी भी टाइम आप पासवर्ड भूल जाते हो तो ये काम पे आएगा, क्योंकि उस ईमेल आईडी पे या फिर उस मोबाइल नंबर पे जो कोड आता है वो आएगा। इस वीडियो में बस इतना सही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भी इस तरह के बहुत सारे अपडेट पाने के लिए। और कैसे आप फेसबुक को सिक्योर कर सकते हो, इसके लिए भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप चाहते हो तो वो भी आप देख सकते हो।